हाय हेलो नमस्कार मुझ जशवंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो आप आज गोटे सुंदर रिक्रुटमेंट भिडियोटे नहीं आसी जोटा कि आम सेंट्रल गवर्नमेंट रोज जोटा कि आम जिपमर अथवा आम जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक अच्छे तो आम जिपमर तरफ रोज जोटा कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिडियो को लास्ट जाए देखते आज आम भिडियो कौन डिस्कसन करवा ना आम जिपमर में आप जो सब रहा इंपोर्टेंट डेट्स आप एज लिमिट के सालरी के एग्जाम पैटर्न केमी हम देन आप्लाई केवे आप्लाय करेंगे देन केमी कौन आप्लाय करेंगे सब आज आम भिडियो डिस्कसन करवा। तो भिडियो को लास्ट जाए देखो आपड़ जब आप्लाय करा चाहूँ देन आप गोटे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप्लाय कर दिखाँ। तो फास्ट आपको जिपमर सर्च करार अच्छे देन आप जिपमर ओरिजिनल पेज को पलेबे तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेज आपड़ी भिजिट करेंगे। तो देखो तापर कौन करेंगे ना आप तल को स्क्रोल कले देखो आपको गोटे जब रोटे ऑप्शन आसो देन आप जब उपर क्लिक करेंगे देखो जब उपर क्लिक कलापर आम जो गोटे नोटिफिकेशन आसी तो सहीटा आपको शो कर जोटा कि पूर्व गोटे न्यूज पेपर बाहर था कि डिटेल आडभर्टाइजमेंट ये पलि आसी 13/7/2022 में आसी। तो से भिडियोटी आज आम डिस्कसन करवा हाँ जब आपर किसी भी डाउट थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ ना आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर आमको डायरेक्ट मेसेज करूँ। तो देखो आम पीडीएफ टी जिपमर तरफ आसी तो आपको मुझे सब इंपोर्टेंट टॉपिक सब देखे आपने पीडीएफ टी चाहूँ आमको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर आमको डायरेक्ट मांगू आम आपको प्रोवाइड करदेव। तो फास्ट देखि आपको इंपोर्टेंट डेट्स कौन रहा आपड़ केबे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन केते आपर 21/7 अथवा यही मस 21/7 रु आपन स्टार्ट हो देन देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज केबे क्लोज हम दैट इज 11/8 आपंकर अगस्ट 11 आपंकर सेटा तार लास्ट डेट रोज देन देखो डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट्स फ्रॉम जिपमर वेबसाइट आपंकर जो एडमिट कार्ड रहा जो हॉल टिकट रहा आपंकर केबे आसीबाक जाउची दैट इज 25/8 रे आपंकर पलै आसीबो देन देखो आपंकर एग्जामिनेशन आपंकर को डेट रे बर अछि देखो नर्सिंग ऑफिसर एक्सरे टेक्निशियन और रेडियो डायग्नोस्टिक आप जो रहा लैबोरेटरी टेक्निशियन तो समस्त एग्जाम होते दैट 4/9/2022 ठीक अच्छे। तो आम सेप्टेम्बर मसने सेप्टेम्बर 4 जा देखो आपते कौन सब पोस्ट रही आपको मुझे देखे दूँ। तो देखो फास्ट आपत पोस्ट रहा नर्सिंग ऑफिसर पर देखो एक नंबर जो देखकर पोस्ट कोड एटा रहा देखो नर्सिंग ऑफिसर आम पोस्ट के दैट इज टोटल पोस्ट रहा 128 देन देखो यूआर आम जेनेल रहा 65 ईडब्ल्यूएस रहा 16 देन ओबीसी कैंडिडेट जो मैंने रहा है 24 देन एससी रहा 10 पोस्ट देन एसटी 13 पोस्ट ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो आम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपंकर नर्सिंग ऑफिसर पर कत रिजर्वेशन अच्छी दैट इज 8 पोस्ट रिजर्वेशन अच्छी क्या ना पीडब्ल्यूबीडी अथवा आम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो जहाँ जो मानकर डिसेबिलिटी अच्छे 8 पोस्ट पूरा रिजर्वेशन ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट को जीवा तो नेक्स्ट देखो आम जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट टी रहा तार एसेनसीआल क्वालिफिकेशन आपंकर कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार आप्लाय करने ठीक अच्छे। तो देखो फास्ट देखो ये कौन कहला ना एसेनसीआल क्वालिफिकेशन कौन ना फास्ट बीएससी नर्सिंग अथवा बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जोटा कि जो बीएससी नर्सिंग जो पिला माने रहिले कैंडिडेट माने रहिले सेमाने अप्लाई करिवे देन देखो ये देती पोस्ट बीएससी अथवा नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल जोटा कि आप जानते कि पोस्ट बीएससी करते जो आप्लाय करेंगे देन देखो ये कौन देखा 2 पॉइंट ना डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल देन देखो रजिस्टर आज नर्स मिडवाइफ इन ए स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल देन देखो जो मैंने डिप्लोमा करवा जो मैंने जीएनएम करते भी मस्ट एटी अप्लाई करेंगे किमी आप एम्स रुहे आपको सीटी कौन मागी 2 एक्सपीरियंस मागी जोटा कि 50 बेडेड हॉस्पिटल ठीक अच्छे। तो भाव आप निश्चिंत बुझीपे तो आपको जब यू क्वालिफिकेशन अच्छी आपड़ी निश्चय अप्लाई करेंगे तो भावी बहुत पिला क्वालिफिकेशन निश्चिंत थी तो जमा भी हाथ छड़ा करते नहीं आप्लाय करूँ देखो एग्जाम फेस करूँ देन देखो आप पे स्केल के दैट इज पे स्केल रहा 44,900 देन देखो लेवल 7 मैट्रिक्स रोज देन 7th सीपीसी रही है ठीक अच्छे। तो 44,900 7 सीपीसी आप कैलकुलेट करदे प्राय आम 76,000 आपंकर सालरी आसो ठीक अच्छे। तो देखो आपंकर एज लिमिट के रहा है एज लिमिट रहा अप टू 35 इयर्स तो जब 35 इयर्स पूर्व आप्लाय करने को चाहते देन आपड़ी आप्लाय करेंगे देखो आम एग्जाम पैटर्न आपंकर केमी रोज देखो आपंकर 2 पर्याय आपको आम एग्जाम देवार अच्छे जोटा रहा सीबीडी टेस्ट आ गए रहा स्किल टेस्ट। तो सीबीडी टेस्ट में आपंकर को सब आम सिलेबस कवर कर देखो रिलेटेड सब्जेक्ट कनसर्न आप तो नर्सिंग आप्लाय करे तो आप नर्सिंग रोज 70% जोटा कि 70 मार्क देन आप जेनेल एरिया
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତା ସେଥିରୁ ରହିବ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 30%। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟ 100 ଆମର MCQ ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଆମର ଇଚ୍ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 marks କ୍ୟାରି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କେତେ ରହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 90 minutes ଅର୍ 1.5 ଆମର ଆୱାର ରହିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CBT ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ବା ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର UR EWS ମାନଙ୍କର 50% CBTରେ, ଯଦି ଆପଣ CBT ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ UR EWS PWBTରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 45% ଆମର CBTରେ, ଦେନ୍ ରହିଲା 50% ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଦେନ୍ SC ST OBCଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା 40% CBTରେ, 50% ରହିଲା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର CBT ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେତେ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 years ଆମର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 3 years ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ PWBT UR ଆଉ EWS ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 years, PWBT OBC ଅଣ୍ଡରରେ 13 years, PWBT ଆମର SC ST ତାଙ୍କ ପାଇଁ 15 years ଆମର ଅଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ, ନା ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର July 21 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କେତେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ UR EWS ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1500 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ OBC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ 1500, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ SC ST ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1200, ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ PWBT ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଜମା ବି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟିଜ୍ ବା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଲା ପୁଡୁଚେରୀରେ ହେଲ୍ଡ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ, କୋଲକାତାରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ, କୋଇମ୍ବତୁରରେ, ମଦୁରାଇରେ, ସୋଲେମ୍ରେ, ଅର୍ ଆମର ତିରୁଚିରପଲ୍ଲୀରେ, ତିରୁଭେଲମ୍ରେ, ଆମର ବେଲୋରରେ, ଅର୍ ଏନି ଅଦର ପ୍ଲେସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେତେ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେଇଟା ହେବ। ତ ସେଇଟା ଜିପ୍ମର୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକରି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ରହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ତ ଆପଣ କୋଲକାତାରେ ଯାଇକରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ତ ଜମା ବି ଆକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ 4 marks ପାଇବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ -1 କଟିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ 4 ରିଭ୍ୟୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 0 ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ତ CBT ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେବ, ତ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।